सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीआईसी बैंक वीडियो केवाईसी के बारे में बात करेंगे कि आईसीआईसी बैंक का वीडियो केवाईसी कैसे करवाना होता है। मैं लाइव प्रूफ के साथ बात करूंगा क्योंकि मैंने खुद केवाईसी करवाया है, तो मेरे को पूरा नॉलेज है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट आपको भी प्रिपरेशन करके रखना है, मैं डिटेल में कवर करूंगा। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने आईसीआईसी बैंक के कौन से वेरिएंट का अकाउंट ओपन किया था जिसका आपने वीडियो केवाईसी किया है। तो मैंने आईसीआईसी माइंड सेविंग अकाउंट डिजिटल ओपन किया था घर बैठे, उसी का मैं वीडियो केवाईसी किया हूं। देखो, इंस्टा सेविंग अकाउंट या इंस्टा सेव एफडी अकाउंट, कोई भी अगर अकाउंट ऑनलाइन ओपन होता है आईसीआईसी बैंक का, तो उसके वीडियो केवाईसी करवाने का या आईसीआईसी बैंक का कोई भी अकाउंट जिसका ऑनलाइन ओपन हो रहा है, वीडियो केवाईसी करवाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, सेम प्रोसेस के साथ ही सभी अकाउंट का वीडियो केवाईसी किया जाता है। सबसे पहले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करके रखना है, तो वीडियो केवाईसी करने से पहले सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सो दैट वीडियो कॉल कट ना हो। दूसरी बात, आपने जो मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी डाला है फॉर्म में, वही मोबाइल फोन ईमेल आईडी आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, वही आपको बोलना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा पैन कार्ड। पैन कार्ड आपको फिजिकल फॉर्म में रखना है, वहां पे वीडियो केवाईसी में आपको दिखाना पड़ेगा, तो पैन कार्ड आपके पास रहना मैंडेटरी है। और एक व्हाइट पेपर में आपका सिग्नेचर का जरूरत पड़ेगा, बस इतना ही आपको रखना है प्रिपेयर करके। उसके बाद आप वीडियो केवाईसी करवाएंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियो केवाईसी करवाने का लिंक कहाँ मिलेगा, तो आपने जो अकाउंट ओपन किया था उसके लास्ट वाले पेज में ही आपको मिल जाता है कि आप तुरंत वीडियो केवाईसी करवा सकते हैं, वहां से आप करवा लेंगे। नहीं तो एक लिंक जो रहता है उसे आपको कॉपी करने का भी ऑप्शन मिलता है, उसे आप कॉपी करके रखेंगे, फिर उसी लिंक को कहीं भी ओपन करेंगे तो उसी लिंक से आपका वीडियो केवाईसी हो जाएगा। नहीं तो ये लोग मेल में और आपके SMS में भी लिंक भेज देते हैं, उसी में क्लिक करके आप वीडियो केवाईसी करवा सकते हैं। तो चलिए लाइव में दिखाता हूँ कि कैसे वीडियो केवाईसी होता है। तो अभी हमने वीडियो केवाईसी के लिए लगा दिया, देखिए 27 सेकंड में उधर से एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे। सर, आई एम ट्रेजर, वीडियो कॉल ऑफिसर। थैंक यू सर, ओपनिंग द अकाउंट नेसेस बैंक एंड इनिशिएटिंग दिस कॉल टू कंप्लीट केवाईसी। दिस वीडियो कॉल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग कॉल पर्पस। इन केस ऑफ एनी नेटवर्क इश्यू और कॉल ड्रॉप, प्लीज डू नॉट क्रॉस द ब्राउजर, वी इनिशिएट द कॉल अगेन एंड कंप्लीट केवाईसी। आई होप यू कैरी ओरिजिनल पैन कार्ड, अ व्हाइट बैंक प्लेन पेपर एंड अ पेन हैंडी थी सर। Click on that icon. You get the location, sir? सो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है तो उनको सामने से बोलेंगे कि आप प्लीज हिंदी में बात करिए, तो वो हिंदी में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन आइकन था जैसे कि आपने वीडियो में देखा, उस पर क्लिक करके आपको करंट लोकेशन उनको भेजना पड़ता है। आप लोकेशन भेजेंगे उसके बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपकी आवाज इतनी क्लियर सुनाई नहीं दी सर मुझे। सर, आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है जहाँ उसका पिन कोड है ना सर, 8351-5214 है सर। लेकिन आपका जो करंट लोकेशन का पिन कोड है वो 8352 है सर। ये डिफरेंस में जान सकता हूँ ऐसा क्यों है सर? मेरा अभी करंट लोकेशन मैं यहाँ पर ही हूँ और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है वो लोकेशन जो है। सर, आपको कुछ डिटेल वेरीफाई करनी थी, आपको मोबाइल नंबर जान सकता हूँ मैं सर? सो जैसा कि आपने देखा कि वो बोल रहे हैं कि अभी आप जो करंट लोकेशन भेजे हैं वो आपने जो डिटेल डाला आधार कार्ड में उससे मैच नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो कहीं और का हो सकता है और अभी आप करंट जहां पे प्रेजेंट है उसका पिन कोड अलग होगा। तो आप उनको बोल सकते हैं कि जो पिन कोड डाला हुआ है वो 15 से 20 किलोमीटर दूर का ही, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो उस तरीके से वो आप इनको बोल देंगे। सर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ सर? जन्म स्थान रांची। ओके सर। सर, आपका ईमेल आईडी? सर, आपका भी फोटो कैप्चर करना है कैमरा में, देखिए एक सेकंड। ओके सर, आपका फोटो मैंने कैप्चर कर लिया है सर। ओके, अभी पैन कार्ड दिखाएंगे सर। पैन कार्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से वीडियो कॉल कट हो गया, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है। तो उन्होंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर वीडियो कॉल कट होता है तो आपको पेज कट नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी अगले इंटरफेस में आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको वीडियो कॉल एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आप क्लिक कर लेंगे तो फिर से वहीं से वीडियो केवाईसी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर, आप अभी एक व्हाइट लाइन पेपर होगा सर आपके पास, उस पे सिग्नेचर करेंगे और मैं दिखाएंगे सर। ओके सर, आपके सिग्नेचर मैंने कैप्चर कर लिया है सर, धन्यवाद सर। आपकी केवाईसी मेरी तरफ से सफलपूर्ण हो चुकी है सर, हमारी टीम इसे दोबारा एक बार रिजेक्ट करेगी और आप इन्फॉर्म कर। ओके ओके सर,
आप कंफर्मेशन के बाद आपका अकाउंट 2 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा सर। धन्यवाद सर, ICICI में कॉल करने के लिए आपका दिन शुभ रहे सर। सो आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। मैंने आपको लाइव प्रोसेस दिखा दिया कि कैसे वीडियो केवाईसी ICICI बैंक की तरफ से होता है। तो अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट ICICI बैंक में घर बैठे ओपन करना चाहते हैं तो आप ICICI माइंड अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाके क्लिक करिए, अकाउंट ओपन करिए। अकाउंट ओपन करने के बाद इसी प्रोसेस से आप वीडियो केवाईसी करवा के उस अकाउंट को फुल केवाईसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो। वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, विद इन 24 आवर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सुमित्र साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।